हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्या पूरे देश में लगाया जा सकता है लॉकडाउन, बताएंगे दोस्तों। सिर्फ भारत के ही लोग नहीं बल्कि अमेरिका के भी विशेषज्ञों ने भारत को लेकर, वो भी लॉकडाउन को लेकर बड़ी बात कही है। दोस्तों बताएंगे किसने लॉकडाउन लगाने को कही है ये बड़ी बात। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक जुट हुआ ईयू, इमरान ने मुस्लिम देशों से लगाई बड़ी गुहार। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां कोरोना से लड़ रहे भारत की मदद के लिए आगे आया इजराइल और कर दिया भारत के लिए ये बड़ी मदद। जी हाँ दोस्तों, क्या मदद की है इजराइल ने, वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां भारत को लेकर अपने इस फैसले पर बुरी तरह गिर गया है ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो फैसला जिस पर घिर गए हैं ऑस्ट्रेलिया पीएम, बताएंगे वो भी बात। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर कभी चीन के J-8 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में अमेरिका ने की थी मदद, लेकिन आज भुगत रहा है खामियाजा, क्या है इसके पीछे का बड़ा कारण, वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे, जहां बंगाल में चुनाव के बाद हो रही बड़ी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जताई है चिंता, जिसके बाद राज्यपाल को मोदी जी ने फोन करके कह दी है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे मोदी जी ने क्या बातें कही हैं राज्यपाल को। दोस्तों बड़ी इमरजेंसी बंगाल में घोषित करने की बातें कही गई हैं। दोस्तों बताएंगे आपको, कभी भी बंगाल में इमरजेंसी लगाया जा सकता है, हर तरह की खबर बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर बड़ा फैसला लिया है, दोस्तों क्या है वो फैसला ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे, जहां पर अगर आपका भी इस बैंक में है खाता दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी ना करें ये काम, नहीं तो मिनटों में खाली हो जाएगा आपका अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बैंक ने दे दी है बड़ी चेतावनी, बताएंगे आपको क्या है ये भी खबर। साथ ही अगर लॉकडाउन लगा तो स्कूल की फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों, बताएंगे इस बार नए नियम लागू किए जाएंगे स्कूलों पर, वो भी लॉकडाउन को लेकर दोस्तों। तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि इस कोरोना काल में हमारे देश के सबसे बड़े रक्षक अमर रहे और मोदी जी हैं, तो हर चीज संभव है। इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका के सबसे बड़े विशेषज्ञ की बड़ी सलाह, भारत में कोरोना वायरस से बड़ी हालत गंभीर, देश में लगाए जाने चाहिए लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी गई है अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। दोस्तों फाउची ने सलाह दी है कि भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए, व्यापक स्तर पर टीकाकरण मुहिम चलाई जानी चाहिए और बड़ी संख्या में स्थायी अस्पताल बनाए जाने चाहिए। उन्होंने महामारी से निपटने में सेना की मदद लेने की भी बड़ी सलाह दी है। दोस्तों दुनिया में संक्रामक रोग के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक माने जाने वाले डॉक्टर फाउची ने सोमवार को भारत को महामारी से निपटने में सैन्य बलों की मदद लेने की भी सलाह दी है। दोस्तों उन्होंने सलाह दी है कि तत्काल अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए सशस्त्र बलों की सहायता ली जा सकती है। डॉक्टर फाउची ने कहा है कि चीन में जब पिछले साल गंभीर समस्याएं थी, तो उसने अपनी संसाधनों को बहुत तेजी से नए अस्पताल बनाने में जुटा दिया था, ताकि वो उन सभी लोगों को अस्पताल मुहैया करा सके जिन्हें भर्ती किए जाने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इस अमेरिकी विशेषज्ञ की बात का समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आपको लगता है कि भारत में लॉकडाउन लगाना चाहिए? कितने भाई मानते हैं हाँ और कितने नहीं, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता लॉकडाउन पर क्या विचार करती है और उनका क्या सोच है लॉकडाउन लगाने को लेकर, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलेगा। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हुआ ईयू। जी हां दोस्तों, इमरान ने मुस्लिम देशों से लगाई इसको लेकर गुहार। बता दे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने का आह्वान किया है। दोस्तों उन्होंने सोमवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के सदस्य देशों के इस्लामाबाद स्थित राजदूतों से मुलाकात
मुलाकात की है और इस्लामोफोबिया से निपटने और अंतर धार्मिक विश्वास व सद्भाव को बढ़ावा देने के तौर तरीकों पर चर्चा की है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की स्थापना 1969 में की गई थी, जिसके करीब 57 देश सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह बैठक ऐसे समय में की है जब यूरोपियन पार्लियामेंट यानी यूरोपियन यूनियन की संसद, जिसे कहा जाता है, उसने इश निंदा कानून को लेकर पाकिस्तान के व्यापारिक वरीयता वाले दर्जे की समीक्षा करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। दोस्तों इस प्रस्ताव में इश निंदा धार्मिक कट्टरता, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों के चलते पाकिस्तान को कारोबार में मिलने वाली सियासत को खत्म करने की सिफारिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इमरान खान को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और अब इमरान ने इन सब को देखते हुए मुस्लिम देशों से बड़ी गुहार लगाई है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि ईयू ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तो हमारा समर्थन है ईयू को, कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो कोरोना से लड़ रहे भारत की मदद के लिए आगे आया इसराइल, भेजेगा जान बचाने वाले मेडिकल उपकरण। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से भारत बुरी तरह प्रभावित है दोस्तों। यहाँ हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं और हर रोज 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वायरस के आगे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेबस और लाचार नजर आ रही है, इसलिए भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में विदेशी मदद लेनी पड़ रही है। इसी कड़ी में इसराइल भारत को जिंदगियां बचाने वाले मेडिकल उपकरण भेजने जा रहा है दोस्तों। इसराइल ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए भारत में जीवन रक्षक उपकरण भेजे जाएंगे। भारत में भेजे जाने वाले मेडिकल उपकरणों में ऑक्सीजन जनरेटर और श्वसन यंत्र शामिल है। प्रेस रिलीज के मुताबिक उपकरण मंगलवार से शुरू होने वाले सप्ताह भर में उड़ानों की एक सीरीज के जरिए हफ्ते भर में भारत पहुंचा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है ये भी इसराइल को लेकर। अगर आप भी भारत में इस कोरोना काल के संकट में इसराइल के मदद को एक बड़े ही जड़ी बूटी के नजरिए से देखते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू इसराइली पीएम यानी नेतन्याहू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स पर मिलने वाली है। अगली खबर की बात करें तो भारत को लेकर अपने इस फैसले पर बुरी तरह गिर गए हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, भारत से अपने वतन लौटने की कोशिश करने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर रोक लगाने और जेल की सजा जुर्माने का प्रावधान करने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के फैसलों को लेकर विवाद छिड़ गया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हालांकि अपने निर्णय का बचाव किया है और कहा है कि ये देश के सर्वोत्तम हित में है, ये कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंथोनी अल्बानी ने अपने देश के लोगों को भारत में छोड़ने और वापस अपने आने पर जुर्माने व जेल की सजा देने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना भी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी। एक और खबर की बात करें तो कभी चीन के J-8 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में अमेरिका ने की थी बड़ी मदद, और लेकिन आज भुगत रहा है बड़ा खामियाजा। जी हाँ दोस्तों, आजकल अमेरिका और कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं दोस्तों। कई बार तो दोनों ही देशों में जंग का अंदेशा भी जताया जा चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के संबंध चीन के साथ हमेशा से तनावपूर्ण नहीं रहे हैं दोस्तों? एक समय तो ऐसा था जब अमेरिका ने चीन के लड़ाकू विमान बनाने में तकनीकी रूप से बड़ी मदद की थी, उसी की बदौलत चीन J-8 लड़ाकू विमान के प्रारंभिक वर्जन को बनाने में कामयाब हो पाया था। तो वहीं चीन आज रक्षा व्यापार कूटनीति के क्षेत्र में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मदद भी उनकी करनी चाहिए जो मदद के लायक हो, तो ये बात आप कमेंट सेक्शन में चाइना को लेकर जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जताई है नाराजगी और चिंता, जिसके बाद राज्यपाल को फोन करके कह दी है बड़ी बात बता दें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद हिंसा की घटनाएं जारी है दोस्तों।
बीजेपी ने दावा किया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की हिंसा के कारण उसके 9 कैडर मारे गए हैं। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और आज ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच चुके हैं दोस्तों, और पीड़ित कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी किया उन्होंने। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन करके कानून व्यवस्था की जानकारी भी ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार दोपहर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम मोदी जी ने फोन किया और गंभीर रूप से चिंताजनक कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता व्यक्त की है। सीएम ममता बनर्जी से मैं गंभीर चिंताओं को साझा करता हूँ। राज्य में हिंसा, बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याएं बेरोक टोक जारी है और इस पर तुरंत प्रभाव से नियंत्रण बेहद ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जगदीप धनखड़ ने मोदी जी के फोन आने के बाद कही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी सच में इस देश के लिए एक वरदान साबित हुए दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में मोदी जी वरदान ही है जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो मोदी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ शिखर बैठक में रोड मैप 2030 को दी बड़ी मंजूरी और 1 अरब पाउंड के निवेश की भी घोषणा कर डाली है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच मंगलवार को हुए शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये रोड मैप लोगों के बीच संपर्क, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में अगले 10 सालों तक गहरे और मजबूत आदान प्रदान का रास्ता साफ कर देगी। दोनों नेताओं ने COVID-19 की ताजा स्थिति के साथ इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में जारी सहयोग और टीके को लेकर सफल साझेदारी पर भी चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान से खबर आ रही है कि लाहौर के चर्च में घुसकर मुस्लिम नर्सों ने किया कब्जा और ईसाइयों को दे डाली खुलेआम धमकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का वादा करके सत्ता में आए प्रधानमंत्री इमरान खान के राज में भी देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न खुलेआम जारी है। ताजा घटना की अगर बात करें तो लाहौर के एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर बनाए गए चर्च पर मुस्लिम नर्सों ने कब्जा कर लिया और मुस्लिम धार्मिक गीत गाने लगी है। दोस्तों, उन्होंने स्थानीय ईसाई स्टाफ को धमकी भी दे दी कि या तो वे धर्म परिवर्तन कर लें, नहीं तो उन्हें इस निंदा वाले कानून का सामना करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, मुस्लिम नर्सों ने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी धमकी दे डाली कि वे सभी गैर मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दें। मुस्लिम नर्सों ने चर्च को अपवित्र भी किया है। पाकिस्तानी मुस्लिम नर्सों की सीना जोरी पर अभी तक इमरान सरकार की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार नायल इनायत के मुताबिक ईसाई नर्सों के खिलाफ इस निंदा हिंसा का ये तीसरा बड़ा मामला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ अन्य देशों में जो हाल होता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान के देश में अल्पसंख्यकों पर जो बड़ा अत्याचार हो रहा है दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की ये हालत होनी तय थी, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये तो होना ही था, इमरान खान जरूर लिखेगा। अगली खबर की बात करें तो ब्रिटेन से खबर है, जहां विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल से की है मुलाकात। प्रवास और यात्रा समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो अमेरिका में भारतीय यात्रियों को एंट्री पर कल से ही लगा दी गई रोक, ऐसे लोगों को लेकिन रहेगी छूट। बता दें, अमेरिका में भारतीय यात्रियों की एंट्री पर लगा बैन कल से लागू हो गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को भारतीय यात्रियों की एंट्री पर 4 मई से रोक लगाने का ऐलान किया था। हालांकि इस बैन से स्टूडेंट्स, एकेडमिक जगत, पत्रकारों और अन्य कुछ कैटेगरीज के लोगों को छूट दी गई है। इसके अलावा उन अमेरिकी नागरिकों के गैर अमेरिकी पति या पत्नी और 21 साल से कम उम्र के बच्चों को भी एंट्री की छूट दी गई है। अमेरिका में एंट्री पर ये रोक अनिश्चित काल के लिए लगी है दोस्तों, और इसे राष्ट्रपति की ओर से ही अगले आदेश के तहत हटाया जा सकेगा। आप जो बाइडेन के इस फैसले का समर्थन करेंगे दोस्तों, हाँ या ना, ये उचित है या नहीं, बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें ऐसे में तो मैक्स
मेक्सिको सिटी में बड़ा हादसा हो गया है दोस्तों। मेट्रो ब्रिज गिरने से 23 लोगों की मौत, जिसमें 70 लोग हो गए घायल। बता दें नॉर्थ अमेरिका की मेक्सिको सिटी में सोमवार रात मेट्रो के पुल का एक खंभा ढह जाने से मलबे में दबकर 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 70 लोग घायल हो गए दोस्तों। अधिकारियों ने बताया है कि घटना स्थल पर एक क्रेन की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि आपात एवं बचाव कर्मी वहां जाकर फंसे हुए लोगों का पता लगा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में और भी फंसे हुए लोगों की अगर जिंदगी की आप बचने की कामना करते हैं तो कमेंट सेक्शन में सब कुछ सुरक्षित होगा जरूर लिखिएगा। एक और खबर की ओर चलें अगली, तो सैमसंग कंपनी का बड़ा ऐलान, कोरोना से लड़ने के लिए भारत को देगा 37 करोड़ की मदद। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों लोगों की लाइफ बुरी तरह प्रभावित हो रही है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, देश में कई जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत से भी लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में टेक कंपनियों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने भी मदद का ऐलान किया है दोस्तों। सैमसंग के मुताबिक कंपनी भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 37 करोड़ रुपए डोनेट करेगी। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में कम से कम सैमसंग को थैंक यू सैमसंग जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें तो बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद कई जिलों में हिंसा जारी है, जिसको लेकर जेपी नड्डा ने बड़ी इल्जाम लगाया है ममता बनर्जी पर। बता दे टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी वर्कर को पीट कर मारा और पत्नी के भी तोड़े दांत, इस प्रकार की बातें कही गई हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद कई जिलों में सामने आई हिंसक घटनाओं के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बंगाल पहुंचे। आपको हमने पहली खबर में बताया था, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने का आरोप लगाया है दोस्तों, और जल्द से जल्द ममता सरकार पर एक्शन लेने की बात कह दी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी को तानाशाह बताया है दोस्तों। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से उनकी तुलना की है। अगर आप भी मानते हैं कि किम जोंग उनसे कम नहीं है ममता बनर्जी, तो ममता इज इक्वल टू किम जोंग उन लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही बंगाल चुनाव के बाद इस हिंसा को लेकर मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीबीआई जांच और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में, हाँ या ना, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 100 बेड के कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण, और साथ ही उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा की सबसे बड़ी सेवा है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित कैंसर संस्थान में स्थापित 100 बेड के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है दोस्तों। इस अवसर पर उन्होंने चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया और अस्पताल में रोगियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। ऐसे में थैंक यू योगी आदित्यनाथ जी जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की बात करें तो ममता बनर्जी की उम्मीदों को बड़ा झटका, जहां पर नंदीग्राम से शुभेंदु ही जीत के अधिकारी, आरओ को भी दी गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से हार के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है दोस्तों। अपने पूर्व सहयोगी से नजदीकी मुकाबले में हार के बाद वोटों की दोबारा गिनती की उनकी मांग को खारिज कर दिया गया है दोस्तों। चुनाव आयोग ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अंतिम है और इसे केवल हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। इस बीच नंदीग्राम में आरओ रहे अधिकारी को सुरक्षा प्रदान की गई है। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी चुनाव आयोग के इस फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो चुनाव आयोग ने सही बात कही है ममता बनर्जी को जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट में। अगली खबर की बात करें तो दीपिका पादुकोण भी हुई कोरोना पॉजिटिव। उनके पिता प्रकाश पादुकोण पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया है दोस्तों, और उनके सभी फैमिली के मेंबर्स को कोरोना जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जी हां दोस्तों, ये भी बड़ी खबर थी। साथ ही अगली खबर की बात करें तो यूपी से एक और खबर, जहां गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए 5 मई से यानी आज से शुरू हो जाएगी टेस्टिंग अभियान। अगली खबर की बात करें तो एसबीआई की बड़ी चेतावनी, भूल कर भी ना करें ये 5 काम, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर अपने 42 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को अलर्ट कर दिया है दोस्तों। एसबीआई ने अपने ताजा अलर्ट में ग्राहकों से कहा है कि वो ये 5 काम करने से बचें। अब
अपने ट्वीट में SBI ने सबसे पहले बात कही है कि अपने ग्राहक अपनी जन्म तिथि, डेबिट कार्ड नंबर, इंटरनेट बैंक यूजर ID, पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन, CVV नंबर, OTP जैसी पर्सनल जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करे। और इसके साथ ही बैंक ने कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड और मैसेज में आ रहे सभी लिंक पर क्लिक करने से मना किया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि आप अपनी सभी डिटेल्स के एकमात्र संरक्षक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जहां पर लॉकडाउन के दौरान पूरी फीस नहीं ले सकते स्कूल और ना ही रोका जाएगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में देश भर के प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान वे छात्रों से पूरी फीस नहीं वसूल सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा है कि फीस का भुगतान ना करने की स्थिति में 10वीं और 12वीं के किसी भी छात्र का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा और ना ही उन्हें कोई परीक्षा में बैठने से रोक सकता है। ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सभी माताओं और पिताओं को बड़ी राहत दी है दोस्तों, और मिडिल फैमिली के लिए तो सबसे बड़ी राहत दी गई है स्कूल फीस को लेकर। ऐसे में अगर आप भी उनके इस फैसले का दिल से सराहना करते हैं तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए, हाँ या ना, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और इसी के साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में